हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और मेरे साथ सवेरा पाशा, अहमद नजीब, शाकिर अब्बासी और बस हम यहाँ पिंडी स्टेडियम में पहुंचे हैं और मैच रुका हुआ है यार। सुबह से बस हम गपशप कर रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं। मैच का अभी तक मजा नहीं आया, अभी शायद के स्टार्ट हो जाए थोड़ी देर में। तो कल जो वीडियो डाला था सवेरा के साथ, तो काफी ज्यादा लोगों ने मैसेज किए थे कि आज आप थोड़ी बात करिए युवराज सिंह, आज उनकी बर्थडे है। और अगर ठीक है भाई साहब, आपके जो मैसेज आए हैं तो उस पर ज़रा थोड़ी बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट मैं तो ये कहूँगा, सवेरा अभी तक दो साल हो गए इंडियन टीम से, लेकिन नंबर चार की जो उनकी समस्या बनी हुई है वो अभी तक हल होने को नहीं दे रही। अभी किसी हद तक शिराज अय्यर जो है उन्होंने उसको ज़रा बेहतर किया, लेकिन अभी तक व्हाट यू थिंक, व्हाट यू वांट टू से ऑन युवराज सिंह इन हिज रोल। और युवराज, सबसे पहले तो मैं युवराज के बारे में बात करना चाहूँगी। एक ऐसा फाइटर जो कि कैंसर जैसे मरीज से निकल, मर्द से निकल के वापस आया और आगे उसने परफॉर्म किया। और ठीक है, जिस तरह एंड उस तरह बिल्कुल नहीं हुआ युवराज के करियर का जिस तरह एक्चुअली होना चाहिए था, फिर भी हैट्स ऑफ टू हिम जिस तरह के प्लेयर हैं, जिस तरह वो खेले हैं। मगर जितना उनका काम होता है कि वर्ल्ड ट्वेंटी के लिए इंडिया के लिए, और वहाँ इंडिया में कितना क्रेज है, वैसे जितने क्रिकेटर्स हैं वो जो है दे फॉलो ऑल ऑफ द क्रिकेटर्स किसी तरह। इतनी एग्जैक्टली हम कोलकाता में पाकिस्तान इंडिया का मैच होने वाला था, क्रिकेट कार्ड में एक दिन पहले ताज होटल में जो है वो सब रुके हुए थे, सारे प्लेयर्स रुके हुए थे, इंडियन टीम भी रुकी हुई थी, पाकिस्तान की टीम भी रुकी हुई थी। और वहाँ पे जब युवराज बस गुजरते हुए गए और जो शोर शराबा हुआ उससे पता चला कि युवराज गुजर रहे हैं, तो वो रुक नहीं रहे थे किसी के लिए। तो हमारे जिन्होंने आवाज़ दी कि हम पाकिस्तान से आए रुक के जो है उन्होंने जो है सबके साथ सूर्य खिंचवाई, वरना वो वैसे रुक नहीं रहे। वो वेरी वेरी गुड एंड वेरी वार्म, बिल्कुल देखे नहीं रुक रहे थे, पता चला पाकिस्तान से आए हुए हैं तो रुक गए। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो इम्प्रूव होना चाहिए, मैं तो खैर इस पर हमेशा बात करता हूँ। हाँ भाई अहमद भैया, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। और मैं तो कहता हूँ युवराज मेरे को दंस के रजनीकांत हैं, अच्छा क्रिकेट के। और आज पीसीबी ने बड़ा अच्छा मिखाने का तमाम पाए, निहारी, मोम, सिरी, ये नहीं थी, ये कहा था सर, ये नहीं था, हमें कहा ये नहीं था। अच्छा, क्योंकि आपको बैकग्राउंड में चमचों की आवाज आ रही होगी क्योंकि खाना वाना चल रहा है, तो वो नहीं था, लाइट खाना था, सारे के साथ भी लाइट रहे, लाइट लाइट। तो ओवरऑल जी युवराज सिंह की बर्थडे पे हैप्पी बर्थडे युवराज सिंह, आउटस्टैंडिंग वाइड बॉल में तो उनके बहुत महत्वपूर्ण रहे। मुझे 2003 का वर्ल्ड कप याद है, स्पेशली जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जिस तरह वो आए और मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल एक चांस बना कि शायद विकेट गिरी तो कोई पाकिस्तान का चांस बन सकता, लेकिन वो बिल्कुल मैच टाइम ले गए। फिर उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है स्पेशली पाकिस्तान के अगेंस्ट, फिर वर्ल्ड टी ट्वेंटी 2007 में चल रहे स्टुअर्ट ब्रॉड को 6 छक्के लगाए, और ओवर रहियर जिस तरह वो 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत से रन किए, 2007 में बड़े फॉर्म में थे वो, और हर आईसीसी के टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट वो रन करते रहे इंडिया के लिए मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में। तो बहुत बड़े प्लेयर, बहुत बड़े खिलाड़ी, जिस तरह अभी सवेरा पाशा ने बात की कि अपनी उस क्रिकेट की जो फाइट थी उससे जब उन्होंने कैंसर के जैसे मौसम मर्ज के खिलाफ जो फाइट करके वो वापस मैदान में, सिर्फ उतना जाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो बहुत बड़ा खिलाड़ी, बहुत बड़ा नाम, और सिर्फ ना सिर्फ इंडिया का बल्कि पूरी दुनिया का, तो बहुत बहुत सालगिरह हमारे को यहाँ पे योगदान से। हाँ शाकिर, लोग कहते हैं यार जब भी वीडियो बननी होती है ना ये बंदा मोबाइल में घुसा रहता है, तो वो कहते हैं सिर्फ इसी बंदे के पास मोबाइल है दुनिया में, जब वीडियो बननी होती है भाई सामने देख लिया कर। अच्छा जो ही मैसेज आ गया, अच्छा आप बता रहे थे युवराज का मैसेज आ गया। अच्छा भाई, ये तो एक 6 छक्कों की आप बात करके तो ठीक है, लेकिन मुझे पाजी की क्योंकि जितने मीडियम पंजाब के हैं, जितने भी सरदार जी हैं, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज है बाकी इंडियन से आपको डिफरेंट लगेगी, उनका बात करना, उनका मिलना, चलना, ये थोड़ा एग्रेसिव हम पाकिस्तानी से तरफ बदमाश किस्म का बैठते हैं। तो ये मुझे तो याद है जब ये आए थे 2003-04 पाकिस्तान का टूर किया लाहौर में, इन्होंने सेंचुरी की थी, पहली सेंचुरी थी, और पहली सेंचुरी इन्होंने इंटरस्टेड पाकिस्तान की थी। एक इतना बड़ा प्लेयर है, आज उनका वैसे खुशी का दिन है बात करनी चाहिए, लेकिन पता नहीं टेस्ट क्रिकेट में वो क्यों इतना बड़ा नाम नहीं बना सके। बाकी 2007 का वर्ल्ड कप कोई इंडियन नहीं भूल सकता, और अगर क्रिकेट टैग के नाम नहीं भूल सके, जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 12 में 50 मुझे याद है, फास्टर 50, और फिर सेमीफाइनल या फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 70 और रन बनाए थे उन्होंने 25-30 बॉल्स में। फाइनल तो हमें आ रहे थे सेमीफाइनल में, कमजोर सेमीफाइनल में वो 70 रन भी बोलते हैं, तो 6 छक्के तो जिस तरह कहा
सती साहब है वो तो कमाल था, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में सब याद रखेंगे। अच्छा सवेरा, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि हम बात करें, लोग सुनना चाहते हैं पाकिस्तान के न्यूज, इसी तरह ये जो प्लेयर्स की आपस में जब भी आप बात करें, इंडिया पाकिस्तान की सीरीज होती थी तो इनकी आपस में दोस्ती बहुत अच्छी है, पाकिस्तान के प्लेयर्स इंडिया के प्लेयर्स, अभी भी शायद अफ्रीकी की जो फाउंडेशन है उसके लिए कभी युवराज सिंह भी मैसेज भेज रहे होते हैं, कभी हरभजन सिंह आ रहे होते हैं, तो ये जैसे कि अब्रॉड में हम रहते हैं तो इंडिया पाकिस्तान की अच्छी केमिस्ट्री बन जाती है लोगों की, उसी तरह ये प्लेयर्स की भी आपस में काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन है और अच्छा एक दूसरे का रिकॉर्ड करते हैं। जब आप इनफील्ड देखते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं जी बड़ा कोई रिलेशन है आपस में, बहुत लड़ाई है, बहुत वो जिस तरह अग्रेसिव होते हैं, मगर ऑफ द फील्ड इतने अच्छे रिलेशनशिप है। आई रिमेम्बर अभी कुछ टाइम पहले हम लोग एक शो पे बैठे रहे थे और एक साइड पे थे अजय जडेजा और दूसरी साइड पे बासित अली, और उनका इतना अच्छा, जब हम ब्रेक पे जाते थे और जिस तरह उनकी डिस्कशन होती थी वो इतने मज़े की कन्वर्जेशन उनकी होती थी कि ऐसा लगता था कि दो दोस्त बैठे थे जो कि बॉर्डर पार है एक दूसरे के, तो वो जो है वो आपस में बात कर रहे हैं, तो बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप इन सबका रहा है आपस में। मैं और कुछ टाइम पीछे जाऊँ तो मुश्ताक मोहम्मद साहब हमें बताते थे कि बेदी साहब जो बेदी जो हमारे इंडिया के मिशन साहब, वो उनके साथ मुश्ताक मोहम्मद साहब की बहुत दोस्त है, एज सून एज मैच खत्म होता था तो बस ये दोनों बैठ जाते थे, सो वो इस तरह की दोस्तियाँ अभी भी प्लेयर्स की हैं, मगर अब इसलिए कम हो गए क्योंकि हम अच्छा मैं इसमें कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा सवेरा की बात को, देखिए ये प्लेयर्स आपस में किस तरह एक दूसरे हेल्प आउट करते हैं, वो बड़े जो क्रिकेट ताने बनाने वाले जैसे मुश्ताक मोहम्मद साहब ने आपने जिक्र किया कि एक जो सुनील गवास्कर का साहब थे उनको अपनी बैटिंग के टिप्स देने के लिए वो लिटिल मास्टर हरीफ मोहम्मद साहब के पास चले गए, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे, तो उनके पास चले गए, उनसे बैटिंग टिप्स नहीं। इसी तरह से यूनुस खान जो 2016 में इंग्लैंड टूर पे तो रन नहीं हो रहे थे, अजहरुद्दीन साहब ने कॉल की यूनुस खान साहब से रब्ता किया और उनको कुछ टिप्स दिए कि भाई आप ये इंप्रूवमेंट कर लीजिए, इस तरह की अगर आप माजी को खरीदेंगे तो बहुत सारे आपको वाकयात मिलते हैं, तो इनके प्लेयर टू प्लेयर कनेक्शन है पाकिस्तान इंडिया का वो बहुत डीप है और वो एक दूसरे को इस तरह से हेल्प आउट और कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वर्ल्ड टी20 2016 में जो है वो मोहम्मद आमिर को शायद बैट किया था, हाँ वो तो वो मैं आई विटनेस थी मेरे सामने वो सब कुछ, तो वो ये बॉन्डिंग है बहुत अच्छी, शायद आफ्रीदी की फाउंडेशन के लिए बहुत दफ़ा उन्होंने जो है वो चीज़ें भेजी हैं, अपनी शर्ट्स अपनी जर्सी, नहीं बिल्कुल, और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बेहतर होना चाहिए, और जाते जाते बस युवराज सिंह की बेस्ट कुछ इनिंग्स में से सबसे पूछ लेते हैं कौन सी, मेरे ख्याल में जो मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा इनिंग्स हैं, लेकिन जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली थी क्वार्टर फाइनल 2011 का जो वर्ल्ड कप था और मैच वो जीत के चले गए थे इंडिया के लिए, सो मैनी इनिंग्स माई फेवरेट्स, तो सवेरा इस पर बात करें युवराज सिंह पिछले दिन उनका विकास गुप्ता बड़े अच्छे जर्नलिस्ट इंडिया के उनके साथ इंटरव्यू चल रहा था, उसमें वो थोड़े से नारा नजर आए कि मैंने मुझे कहा कि फिटनेस इंप्रूव करो, मैंने जो टेस्ट वगैरह सारा मेहनत करके कर लिया लेकिन मुझसे कम्युनिकेट नहीं किया गया, टीम से एकदम से मतलब जिस तरह मिलाना चाहिए था वो शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे 2019 का वर्ल्ड कप ऐसा नहीं हुआ, खैर उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, यूँ थी कि ये इंडिया पाकिस्तान में ये मतलब अजीब सा है कि जो बड़े प्लेयर हैं लेजेंड्स हैं उनको अच्छे तरीके से सेंड ऑफ नहीं दिया जाता। हाँ देखिए ये तो नाराजगी चलती रहती है, कोई प्लेयर कहता है कि मैं स्टैंड ऑफ ठीक नहीं किया गया, कोई प्लेयर जो होता है वो थोड़ा सा उसकी माइंड में फॉर्म बचाना जिस तरह से लग गया, देखिए माइंड भी टीम के जो कम्बिनेशन होता है माइंड भी डिस्टर्ब होता है, यूनियन क्रिकेट बोर्ड की वजह कहीं कहीं प्लेयर से जाती भी हो जाती है, लेकिन ये तो मामला चलते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ स्टैंड ऑफ जरूर देना चाहिए, जिस प्लेयर ने इतने साल आपकी मुल्क की खिदमत की, इतने मैचेस आपको जितवाए हों तो उसको एक अच्छा सा सेंड ऑफ देना चाहिए, एक गुड नोट पर अगर आप उनको अच्छा सेंड ऑफ देंगे तो वो जो उन्होंने सारी जिंदगी अपने मुल्क की खिदमत की होती है ना वो उनको वसूल हो जाता है, तो वो कभी अपने दिल में वो ग्रज या वो आश्चर्य लगेगी। मसला ये होता है कि जब पाकिस्तान की बात करें क्रिकेट बोर्ड जो होते हैं किसी भी ममालिक के, वो जब प्लेयर से दूरी रख लेते हैं या वो बगैर उससे कम्युनिकेट किए फैसला कर लेते हैं वहाँ से दूरियाँ पैदा होती हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उनको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे रब्ता करना चाहिए और उनको एक सेट ऑफ अच्छे से बेहतर क्रिकेट टीम जी। शाकिर अब्बासी कोई बेस्ट टीम बताना चाहो या इस पर क्या कहते हो, क्रिकेट बाकी थी क्रिकेट में तो उन्होंने बात कर ली सबने, एक तो उसकी ये है कि जो
सच्चे से उन्होंने पंजाबी फिल्मों में वहाँ स्टार का बंदा भी हैंडसम है ना वैसे उसके लिए मेरे ख्याल में जगह बनती है। और दूसरा जो उन्होंने कैंसर से बचने के बाद एक यू बी कैन के नाम से उन्होंने अपनी शुरू की है चैरिटी, थाउजेंड्स ऑफ पीपल के करा चुके हैं इलाज, तो मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। मतलब आपने फिल्म में तो उनकी नहीं जगह बिल्कुल है, मेरा ख्याल है बहुत सारे हीरो से ज्यादा खूबसूरत ज्यादा। आपको क्या लगता है वैसे वो प्लान भी ले रहे हैं युवराज सिंह के लिए कि युवराज सिंह जो है ना वो अब नहीं चलो हम तो ठीक है आप भी फीमेल बताइए कि एज अ हीरो आएगा तो ठीक है मूवी चलेगी अच्छा ये बताइए खेल सकता था अभी वैसे एक दो साल क्रिकेट या बस पीक खत्म हो गया। जो हम बात अभी रिटायरमेंट की कर रहे थे कि क्यों नहीं स्टैंड ऑफ देते या क्यों नहीं सेंड ऑफ जो है वो अच्छा क्यों नहीं देते प्लेयर्स को, हमारे एक थोड़ा सा इशू में मसला है कि हम सेल्फ रियलाइजेशन पे भी नहीं जाते, हम खुद नहीं रियलाइज करते। मतलब अगर आप बाहर वेस्ट के क्रिकेटर्स देखें, आप जो है ऑस्ट्रेलियंस देखें, न्यूजीलैंडर्स बहुत जल्दी जो है वो रिटायरमेंट कॉल कर लेते हैं, उनको अपनी फैमिली के साथ टाइम देना वो डिसाइड कर लेते हैं मैं पीक पे छोड़ूंगा। हमारे जो पीक पे जाते हैं प्लेयर्स को जब तक नीचे वापस नहीं आते उनको जबरदस्ती निकाला नहीं जाता वो तब तक राजी नहीं होते छोड़ने के लिए। तो उससे बेहतर ये होता है कि इंसान खुद डिसाइड करे कि नाउ इट्स टाइम मुझे अब जो है छोड़ देनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा शाकिर अभी तुम थे इंग्लैंड में और अभी हम ऑफ द एयर भी बात कर रहे थे, कैसा रहा इंटरेक्शन इंडियन जो वहाँ पे जर्नलिस्ट मिले या अभी आप बात कर रहे थे डू यू वांट टू से समथिंग उन्हें जो आपने बात की पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट वो नाश्ता नहीं किया माइक ठीक होगा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है उसमें हमने जब भी मैं एशियन गेम्स कवर करने गया या कोई वर्ल्ड कप के लिए गया तो हमारा मैच ही इंडियन प्लेयर्स इंडियन जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्तों थे जबान एक है लिबास एक है रंग हमारे एक हैं वो जो पीपल टू पीपल बाउंड्रीज हैं ये आपके जो पास्ट है उसको कभी दूर नहीं कर सकती हमें और हमारा कल्चर एक है उस कल्चर एक होने की वजह से हमें करीब और भी आना चाहिए पॉलिटिशियंस जो हमें दूर कर रहे हैं इनको पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। हाँ भाई एंड नोट पे अहमद भी भाई एंड नोट के ऊपर ये है कि जनाब बेस्ट विशेस युवराज सिंह के लिए एक मरतबा फिर से इंडियन क्रिकेट के लिए और आई होप के जो शेरियास आयर हैं आयर अगर सही में अगर उसको प्रोनाउंस कर पाऊँ आयर ओ भाई एक दिन मैंने कुछ वो बोल दिया था सुरेश रायना वाला मैंने सुरेश लगा दिया था तो लोगों ने कहा ओ पता है नहीं मादला छोटी बड़ी बात होती इग्नोर किया जिस तरह खाना जल जाता है ना तो हम थोड़ा बहुत इग्नोर करते हैं अब अच्छा खैर तो शेरियास आयर अच्छे प्लेयर लग रहे हैं आई होप कि इनके नंबर चार का मसला जो है वो हल कर देंगे और जब तक ऐसे नहीं ऐसे नहीं प्रेश रावल की आवाज में हैप्पी बर्थडे युवराज सिंह अरे हैप्पी बर्थडे अरे देवा रे देवा रे नाचू रे जमाइला अरे युवराज सिंह को बम तारिक अजीज की आवाज में हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ हैप्पी बर्थडे ओके जी अभी इफ यू वांट टू से समथिंग एट द एंड ऑफ वीडियो हैप्पी बर्थडे दैट्स इट युवराज सिंह हैप्पी बर्थडे बिल्कुल ठीक है और सवेरा पाशा हमारे सवेरा पाशा ऑफिशियल शाकिर इट्स माय जॉब इट्स माय जॉब टू से सवेरा का मैं अपना यूट्यूब का लिंक अहमर का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक और शाकिर अब्बासी का यूट्यूब लिंक और ट्विटर भी मैं मेंशन करूंगा यहां पे भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और दे आर नाइस एंड पॉजिटिव पीपल ट्राई टू प्रमोट पॉजिटिव पीपल इंशाल्लाह दिस इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय